हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स ए टू कॉर्नर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना कलम को लेके। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने पाल कला को करा था, तो सबसे पहले तो कि पटना कलम को लेके किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं मेंस में। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि पटना कलम की विशेषताओं का वर्णन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच यू शुड नो कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ पेंटिंग। ये पेंटिंग का एक फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय कला शैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय शैली। इसके अलावा वन मोर थिंग कि ये जो है, ये पेंटिंग जो है, ये मिनिएचर का एक एग्जांपल है। अब आप लोग पूछोगे मिनिएचर क्या, जिसको हिंदी में हम लोग लघु चित्रकला शैली बोलते हैं। ठीक है, लघु चित्रकला शैली। इसके टाइम पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो टाइम पीरियड 18वीं शताब्दी के लास्ट से, यानी कि 18वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। पूर्वार्ध मींस, पूर्वार्ध मींस स्टार्टिंग का हाफ पीरियड। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब पहले इसकी विशेषताओं को जानने से पहले आप स्टोरी वाइज एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि ये कला फॉर्म कैसे डेवलप हुआ, आप लोग ये जान लो। ठीक है, अगर हम लोग पटना कलम की बात करें तो इसके इसको लेके या फिर इसके स्टार्टिंग को लेके जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं मुगल पीरियड से स्टार्ट होता है। जब आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उसमें आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा कि अकबर और जहांगीर के पीरियड में पेंटिंग को बहुत ज्यादा संरक्षण, पेंटर्स को बहुत ज्यादा संरक्षण दिया गया था, लेकिन उसके बाद शाहजहां के काल तक फिर भी सब कुछ ठीक था। अगर हम लोग औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। औरंगजेब को पेंटिंग्स और इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, एंड दैट्स वाई औरंगजेब के पीरियड तक आते आते जो भी पेंटर्स थे उनके पास वी कैन से कि लिवलीहुड के लिए कुछ भी रह नहीं गया, उनको लिवलीहुड को लेके प्रॉब्लम होने लगा। इस कारण ये लोग स्कैटर होने लगे, इट मीन्स अलग अलग एरियाज में वो लोग जाके रहने लगे। यहां से दिल्ली से ये लोग बंगाल तक आए। बंगाल में अगर हम लोग बात करें तो मीर जाफर के का जो बेटा था मीरन, उसने बंगाल में कला संबंधी बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी। इस कारण पेंटर्स का यहाँ पे भी गुजारा होना काफी मुश्किल हो गया। अब बंगाल से उन लोगों ने फिर से स्कैटर होना स्टार्ट किया और ये अब आ गए हैं यहाँ बिहार में, पूर्णिया एंड पटना के एरिया में। ठीक है, पूर्णिया एंड पटना के एरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे कला का जो फॉर्म डेवलप होता है बिकॉज ऑफ पटना, क्योंकि ये पटना में डेवलप हुआ इस कारण से इसको हम लोग पटना कलम के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग पटना में भी अगर स्पेसिफिक एरिया की बात करें तो पटना में फर्स्ट ऑफ ऑल मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, लोधी कटरा एंड चौक का जो एरिया है, ये सारे एरियाज के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये सारे जो एरियाज हैं पटना के, इन सारे एरियाज में पटना कलम का फॉर्म डेवलप होता दिखाई दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बेसिक स्टोरी था अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ पटना कलम, कि पटना कलम कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पेंटिंग का फॉर्म था वो था कैसा। तो अगर हम लोग पटना कलम की बात करें तो ये एक्चुअली तीन कलाओं का मिश्रण था। ठीक है, पटना कलम जो था वो तीन कलाओं का मिश्रण था, यानी कि तीन कलाओं की विशेषता को लिए हुए ये पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुआ था। फर्स्ट ब्रिटिश, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश पेंटिंग स्टाइल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड किए गए थे। आफ्टर दैट ब्रिटिश, देन पर्शियन, पर्शियन स्टाइल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिए गए थे। एंड उसके अलावा जो स्पेशली बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस स्टोरी कि कैसे मुगल किंगडम से ये आर्टिस्ट स्कैटर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पेंटिंग का बहुत ज्यादा इफेक्ट
पटना कलम पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पटना कलम का जो स्टार्टिंग है या फिर पटना कलम जो पेंटिंग स्टाइल है, ये ब्रिटिश, पर्शियन और मुगल पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक को अपने अंदर लेता है या अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे पटना कलम को लेके। अब हम लोग बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक को लेके। ठीक है, अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट जो इसकी विशेषता है डेट इज सादगी। सादगी अगर हम लोग इस पीरियड के अदर पेंटिंग फॉर्म्स की बात करें, चाहे वो मुगल पेंटिंग हो या फिर कोई और पेंटिंग हो, उस पीरियड में पेंटिंग्स को डेकोरेट करने का काम बहुत ज्यादा किया जाता था, लाइक लाइनिंग्स बनाना, बॉर्डर्स बनाना, ठीक है, फ्रेम्स बनाना। लेकिन पटना कलम की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सादगी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। काफी शांत और सौम्य रंगों का प्रयोग किया जाता था। शांत रंग मीन्स काफी लाइट रंगों का, या फिर हम लोग बोले कि चटक रंगों, ब्राइट रंग कलर्स का यूज बहुत कम या ना के बराबर किया जाता था। ठीक है, तो एक तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ। सेकेंड जो सादगी में हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं आंसर राइटिंग के टाइम में, वो ये कि इसमें जो भी पेंटर्स, जो भी वो लोग पेंटिंग बनाते थे, उसमें बॉर्डर या फिर डेकोरेशन यानी कि अलंकरण नहीं होता था। यानी कि वी कैन राइट हियर बॉर्डर और अलंकार रहित। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा है दैट इज कम खर्चीला, कम खर्च या कम खर्चीला, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो कम खर्चीला कैसे, क्योंकि देखो अभी जो मैंने आप लोगों को स्टोरी बताया है, एक बात तो श्योर है यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अगर वे लोग स्कैटर होते हुए पटना भी आए हैं तो पटना में उन्हें कोई राजाश्रय तो प्राप्त नहीं था, मीन्स कोई राजा उन्हें तो हेल्प कर नहीं रहा था, किसी राजा के कोर्ट में वे नहीं रह रहे थे, तो उनको जो भी करना था, जो भी खर्च करना था अपने पेंटिंग पे, वो खुद से करना था। एंड दे वर नॉट हैविंग दैट मच सोर्स कि वो काफी ज्यादा कलर्स को मार्केट से खरीद कर लाएं और उस पे पेंटिंग्स बनाने का काम करें, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए वे उन लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे अगर हम लोग रंगों की बात करें या फिर ब्रश की बात करें, तो इसको बनाने के लिए उन लोगों ने अपने तरीके को अपनाया। अपने तरीके को मीन्स कि रंग बनाने का काम या ब्रश बनाने का काम वे लोग खुद किया करते थे। अगर हम लोग ब्रशेस की बात करें तो बकरी, सुअर, भैंस, गिलहरी, इन सबके पूंछ का यूज किया जाता था ब्रश बनाने के लिए। ठीक है, तो ये एक वी कैन से कि नेचुरल फॉर्म में उनको मिल जाता था, इसके लिए उन्हें कहीं मार्केट जाने की जरूरत नहीं होती थी। तो एक तो यहाँ पे उनका पैसा सेव हो रहा था। आफ्टर दैट अगर हम लोग कलर्स की बात करें तो कलर बनाने के लिए भी वे लोग उसी चीज का यूज कर रहे थे विच वॉज इजिली अवेलेबल टू देम। ठीक है, अगर हम लोग सफेद रंग की बात करें तो इसके लिए ये लोग मिट्टी का यूज करते थे, मिट्टी का यूज कर वे लोग सफेद रंगों को बनाते थे। अगर हम लोग भूरा रंग की बात करें तो इसके लिए ये लोग गेरुआ मिट्टी का यूज करते थे। गेरुआ मिट्टी मीन्स आई थिंक यू वर नोइंग रेड टाइप का वो मिट्टी होता है। उसके अलावा अगर नीले रंग की बात करें तो इसके लिए ये लोग नील यानी कि इंडिगो का यूज किया करते थे। इसके अलावा अगर इन लोगों को आसमानी रंग की जरूरत होती थी तो आसमानी रंग के लिए ये लोग एक लैपिस लेजुली, अगर लैपिस लेजुली आप नहीं समझ रहे हो तो हिंदी में इसको लाजवर्ट बोला जाता है, तो इसका यूज करते थे। अगर इन लोगों को सुनहरे या फिर सिल्वर जैसे रंगों को लेना होता था तो इसके लिए ये लोग क्या करते थे, सोने और चांदी का जो वर्क आता है उसका यूज ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो हाँ, एंड अगर उन्हें काले रंग की जरूरत होती थी तो काले के लिए कालिक, आई थिंक कालिक आप लोग समझते होंगे,
किसी भी चीज को जलाने के बाद जो राख का पार्ट बचता है या फिर उससे जो धुआं निकलता है उसके बाद उसको कलेक्ट करके वी कैन से जो भी होता है उसको हम लोग कालिख बोलते हैं। तो इसका यूज काले रंग के लिए किया जाता था। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पेंटिंग बनाने के लिए जो ब्रश या जो कलर का यूज करते थे वो उसको लेने का उसको प्राप्त करने का जो जरिया था वो काफी सिंपल था और वे लोग खुद से उस चीज को ऑप्टेन कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हुआ। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम लोग बात करें तो ये सामान्य जीवन से जुड़ा था, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं सामान्य जनजीवन पर आधारित। ठीक है, अब सामान्य जनजीवन पे आधारित मींस अगर हम लोग इस टाइम में मुगल पेंटिंग की बात करें तो मुगल पेंटिंग का जो सब्जेक्ट था वो कहीं ना कहीं कुलीन वर्क को लेके था, मींस राजा महाराजा राजमहल राज दरबार के सीन्स को डिस्क्राइब करना पेंटिंग के थ्रू। लेकिन अगर हम लोग पटना कलम की बात करें तो पटना कलम के टाइम में जो भी पेंटिंग्स पटना बनाए गए पटना कलम को लेके तो उसमें सामान्य जनजीवन को डिस्क्राइब किया गया। लाइक जो कुछ लोहार बढ़ई दस्तकार फिर उसके अलावा श्रमिक नाई मछली बेचती हुई औरत इन सारे चीजों को पेंटिंग के थ्रू डिस्क्राइब किया जा रहा था, पेंटिंग्स में बनाया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन इट मीन्स कॉमन लाइफ पे आधारित था। तभी तो उन लोगों को के जो सब्जेक्ट्स थे पेंटिंग के वो कहीं भी कोर्ट्स या फिर राजा महाराजा से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका था। इसके अलावा वो लोग मदरसा फेस्टिवल्स हिंदू फेस्टिवल्स लाइक दशहरा वगैरह का पिक्चर ये सब काफी वी कैन से फेमस सब्जेक्ट्स थे पटना कलम पेंटिंग के। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका देखते हैं, दैट इज आपका सादगी हो चुका है, कम खर्चीला हो चुका है, सामान्य जनजीवन पर आधारित हो चुका है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि यहाँ पे जो पटना कलम के पेंटर्स थे वो किसी भी तरीके से अदर जो पेंटिंग है, ऐसे तो बोला जाता है कि ये ब्रिटिश और पर्सियन और मुगल शैली का दोहराव है या फिर वी कैन से कॉपी है नकल है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली इनके पेंटिंग्स को देखें तो इनकी पेंटिंग्स में एक जो सबसे खास बात नजर आती है वो ये है कि इसके जो कलाकार थे वो अपने एरिया में काफी निपुण थे। कहीं भी छायांकन मीन्स बेसिकली जो पेंटिंग्स बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि पहले स्केच पेंसिल से शेड बनाया जाता है, आफ्टर डैट उसमें कलर फील किया जाता है। ठीक है, तो पटना कलम की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि इसमें कहीं पे भी शेडिंग का या फिर पहले से फ्रेम बनाकर उसमें कलर भरने जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, इट मीन्स वी कैन से कि काफी ज्यादा बारीकी का काम था ये। ठीक है, यानी कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कलाकारों की निपुणता। ठीक है, कलाकारों की निपुणता या फिर यहां पे हम लोग बारीकी जैसे वर्ड को भी ऐड कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे कलाकारों की निपुणता को किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या डिस्क्राइब करोगे तो पटना कलम में यहाँ पे अगर बारीकी लिख रहे हो या फिर कलाकारों की निपुणता लिख रहे हो तो यहाँ पे आप क्या डिस्क्राइब करोगे, इस पीरियड में जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे उसमें जो एक खास पेंटिंग है दैट इज ऑफ बर्ड्स, पक्षियों के जो चित्र हैं, पक्षियों के जो चित्र हैं उसमें खासकर ये बारीकी देखने को मिलती है। क्या होता था कि ये पेंटर्स कभी भी शेडिंग तो करते नहीं थे, सीधे कलर लिया फिंगर एंड आफ्टर दैट दे स्टार्टेड पेंटिंग। ठीक है, वो लोग पेंटिंग स्टार्ट कर देते थे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उन पेंटिंग्स को देखें तो हर एक पार्ट को इतने गहराई से बनाया गया है, इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें पहले इसको वी कैन से स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया होगा एंड डायरेक्टली कलर फील किया गया होगा, ऐसा नहीं बोला जाता। खासकर अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो उनके हर एक बॉडी पार्ट को, चाहे वो पंख हो या फिर उनका हर एक बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, आपका अभी तक क्या क्या पॉइंट हो चुका है, सादगी, कम खर्चीला, सामान्य जनजीवन पर आधारित, कलाकारों की निपुणता। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जस्ट अ मिनट।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो एक वी कैन से इसका खासियत भी बोल सकते हैं या फिर इसके इसकी सीमितता भी उसको बोला जा सकता है, जो कि पुरुष प्रधान है। इसको लेकर कई आलोचनाएं भी देखने को मिलती हैं। पुरुष प्रधान मीन्स इस पीरियड के जितने भी कलाकार थे, जितने भी फेमस कलाकार थे, देवर मेल, वे लोग मेल थे, मीन्स पुरुष थे। मीन्स इस पेंटिंग से जुड़ी महिलाओं के बारे में बहुत कम ही जानकारी मिलती है। तो अगर हम लोग पेंटर्स की बात करें तो इस पीरियड के जो पेंटर्स थे या आर्टिस्ट थे उनमें सबसे पहले ईश्वरी प्रसाद और राधा मोहन बाबू, ये सबसे लास्ट के पेंटर हैं, ठीक है। और राधा मोहन बाबू इसके अलावा और भी बहुत सारे पेंटर्स इस पीरियड में थे, लाइक शिव नारायण दास, आफ्टर दैट सोना बीबी, दाछो बीबी, ठीक है। ये सारे कुछ ऐसे पेंटर्स थे जो कि इस पीरियड में जाने जाते हैं, इनका नेम जाना जाता है इस पेंटिंग को लेके। जो इम्पोर्टेंट इस पीरियड के पेंटिंग्स हैं वो आपका एक तो हो गया बेगमों की शराबखोरी, फिर उसके बाद निकाह का जो दृश्य है वो, इसके अलावा कई जगहों पे मदरसा को भी पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये सारे चीजों को आप अपने आंसर में ऐड करोगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे पटना कलम को लेके। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मौर्य कला को लेके भी आलोचनाएं थी, पाल कला को लेके भी आलोचनाएं थी, उसी तरीके से पटना कलम को लेके भी कई सारी आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग आलोचनाओं की बात करें तो सबसे पहले इस चीज को भी हम लोग आलोचना में ले सकते हैं कि ये केवल पुरुष प्रधान पेंटिंग था, इसमें महिलाओं की कोई भूमिका नहीं थी। अगर हम लोग दूसरी आलोचना की बात करें तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि मुगल पेंटिंग का ये दोहराव था। लेकिन इस चीज को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं कि मुगल कला के कुछ कैरेक्टरिस्टिक को इसमें लिया तो जरूर गया था, लेकिन ये कहीं से भी दोहराव नहीं है। वाई? क्योंकि अगर हम लोग मुगल कला की बात करें, एक साइड अगर हम लोग मुगल कला देखें और एक साइड अगर हम लोग पटना कलम देखें, तो मुगल कला में काफी भव्यता होती थी। भव्यता मीन्स टू से कि ये काफी ज्यादा ओवर डेकोरेटेड होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ नहीं था, अलंकरण की प्रधानता नहीं, ठीक है। मीन्स अलंकरण काफी कम देखने को मिलता था, ठीक है। इसका जो सब्जेक्ट था, मीन्स मुगल पीरियड के पेंटिंग्स के जो सब्जेक्ट थे, वो कुलीन वर्ग से रिलेटेड था, यानी कि राज दरबार, जो बड़े बड़े समारोह होते थे उसके पेंटिंग्स। लेकिन अगर हम लोग पटना कलम की बात करें तो ये सामान्य जनजीवन पे बेस्ड था। तो हाउ वी कैन से कि ये मुगल कला का दोहराव था? तो अगर आपको इस आलोचना को खंडित करना हो, मीन्स इस आलोचना के अगेंस्ट में आपको बताना हो, तो आप ये सारे चीजों को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी और अगर हम लोग आलोचना की बात करें तो थर्ड जो आलोचना है वो इसमें हम लोग ये डाल सकते हैं कि क्षेत्रीय सीमितता। वाई क्षेत्रीय सीमितता? कि देखिए क्या होता है कि पटना कलम जो था वो केवल पटना के एरिया में ही सीमित था, मीन्स इसका एक्सपेंशन बहुत बड़े एरिया पे नहीं था। तो इस आलोचना को हम लोग इस तरीके से खंडित कर सकते हैं कि पटना कलम एक क्षेत्रीय कला शैली थी ही, आफ्टर दैट उन पेंटर्स को कोई भी राजाश्रय तो प्राप्त था नहीं कि वे लोग अपने पेंटिंग्स को स्कैटर करें, फैलाएं। तो ये जो चीज थी क्षेत्रीय सीमितता, इसको हम लोग आलोचना के तौर पे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आलोचना के बिंदु हैं। वन मोर थिंग आई थिंक विच आई हैव लेफ्ट, कि ये पेंटिंग्स जो थे वो बनाए किस चीज पे जाते थे, तो वो आप अपने आंसर में अगर ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि ये जो पेंटिंग्स थे ये बेसिकली कागज पे बनाए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे पेंटिंग पुराना होता गया, पेंटिंग का स्टाइल पुराना होता गया, मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ये चमड़े, कपड़े और हाथी दांत पे भी बनाए जाने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका थोड़ा सा कॉमर्शियलाइजेशन भी हो गया, मीन्स इसका यूज खरीदने बेचने, मीन्स एक वीकेंड से कि एक ये ऐसा कला हो गया जिसके थ्रू कलाकार जो थे वो उनके जीवन यापन का एक साधन ही हो गया, ठीक है। लेकिन
काफी कम टाइम मीन्स 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक आते आते ये जो कला है ये कहीं ना कहीं पतन की ओर अग्रसर हुआ। पतन कैसे हुआ? तो अभी तक लीथो प्रेस और कैमरे का आविष्कार हो चुका था, तो कैमरे के आविष्कार के कारण एक तो कि पेंटिंग बनाने में काफी टाइम लगता था, दूसरी बात कि पेंटिंग्स जो बनाए जाते थे उसमें अगर हम लोग कैमरे के फोटोज से कंपेयर करें तो फोटोज में ज्यादा सजीवता देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये इसका जो डिमांड था वो कम होता गया, तो इस तरीके से इसका पतन सुनिश्चित हुआ। लेकिन एक और रीजन था इसके पतन को लेके कि इन कलाकारों को कोई राजाश्रय प्राप्त नहीं था, कोई राजा का संरक्षण नहीं था, इस कारण इन लोगों को आर्थिक तंगी झेलना पड़ा, और ये आर्थिक तंगी इन आर्थिक तंगियों के साथ ये पेंटिंग से जुड़े रह नहीं सकते थे, इस कारण उन कलाकारों ने कोई और लिवलीहुड का सोर्स ढूंढना स्टार्ट किया और इस तरीके से इस कला का पतन स्टार्ट हुआ। वन मोर थिंग कि आप जब कंक्लूजन लिखोगे लास्ट में तो वहां पे आप ये चीज ऐड करोगे कि क्योंकि ये कला अभी पतन के कगार पर है, कुछ ही बहुत कम एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं इस कला को लेके, लाइक खुदा बख्श लाइब्रेरी की अगर हम लोग बात करें या पटना म्यूजियम की बात करें तो कुछ ही पेंटिंग्स वहां पे रखे पड़े हैं। इसके अलावा पटना कलम को लेके कहीं पे भी बहुत ज्यादा अगर हम लोग बोले कि इसको फिर से डेवलप करने को लेके या फिर इसके संरक्षण को लेके कोई बात किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। ये काफी ज्यादा अगर हम लोग बोले कि कुछ टाइम बाद लोगों को पटना कलम के बारे में सिर्फ बुक्स में पढ़ने को रह जाएगा तो ये गलत नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले सरकार के लेवल से, इसके अलावा कला प्रेमियों के लेवल से एंड आफ्टर दैट कलाकारों के लेवल से काफी ज्यादा प्रोत्साहन और इसके लिए वर्क की जरूरत है ताकि ये कला भी अपने वी कैन से कि गौरव का जो उसका काल था उसमें फिर से वापस लौट सके, ठीक है। और जो हमारा पटना कलम है ये एक नॉट ओनली ऑन नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी बिहार को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। इसको लेके 2010 में एक कैलेंडर जारी किया गया था पटना कलम के पेंटिंग्स का, लेकिन दैट इज नॉट एनफ, ठीक है, बिकॉज अब ये काफी ज्यादा डिक्लाइन की ओर अग्रसर हो चुका है, तो ये एक कैलेंडर जारी करना ये इसको सेव करने का एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि इससे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन दे या फिर इसकी ओर रुझान बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स वगैरह के थ्रू लोगों को जागरूक बनाए कि भाई देखो ये भी जो हमारा पटना कलम है ये बिहार के कला इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, इसका स्थान रहा है इसका। तो दैट्स ऑल फॉर पटना कलम, ये सारा कुछ आपको पटना कलम में ऐड करना है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली 1857 करवाऊंगी। तो टिल दैट कीप वॉचिंग एंड इफ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।